people, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हो और इसी के साथ शुरू करती हूँ मेरा नया वीडियो, जो वीडियो मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मेरे किचन से। आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है बैचलर स्पेशल रेसिपी एंड ये रेसिपी का नाम मैंने दिया है एक का मलाई वाला लव। ये रेसिपी जो मैंने नया लाई हूँ ये रेसिपी जो है उन लोगों के लिए है जिन जो वॉक करते हैं और ऑफिस जाते हैं, अकेले रहते हैं पीजीज में और जो जिसको खाना बनाने का मन नहीं करता है क्योंकि ऑफिस से आके बहुत ही टायरिंग हो जाता है कि अब सारे इंग्रेडिएंट से खाना बनाओ। तो मैं एक क्विक इजी रेसिपी लाई हूँ जो टेस्टी भी होता है और आप चुटकियों में उसको बना भी सकते हो विद वेरी लेस एफर्ट। सो चलो देख लेते हैं कि ये रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ और इसका क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। की मलाई वाला लव बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है? मैंने यहाँ 4 बॉइल्ड एग्स लिया है जो मैंने हल्का सा चिली पाउडर से इसको मैरिनेट करके रखा है। मैंने एक पेस्ट बना के रखा है आपका 1 मीडियम साइज ऑफ अनियन, 1 इंच ऑफ जिंजर एंड 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और 3-4 ग्रीन चिलीज से मैंने एक पेस्ट बना लिया, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। मैंने लिया है एक मसाला मैजिक मैगी का, ब्लैक पेपर पाउडर और काली मिर्च, 1 कप ऑफ हॉट मिल्क, वेजिटेबल ऑयल फॉर कुकिंग, रेड चिली पाउडर, शुगर एंड नमक एंड चॉप्ड कोरिएंडर लिया है जो मैं चॉप कर लूँगी। अब चलिए रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल डाला है, ऑयल गर्म होने वाला है। ऑयल जब गर्म हो गया है गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के ध्यान से मैं जो है अनियन वाला जो मैंने पेस्ट बनाया है ऑनियन गार्लिक जिंजर ग्रीन चिली से वो पेस्ट को मैं डाल दिए। अब इसको आई विल सॉट इट इन मीडियम हाई फ्लेम। ये मसाला को अब अच्छे से जो है आपको भूनना पड़ेगा। तब तक भूनिए जब तक आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो रॉ स्मेल होता है वो जो है गायब ना हो जाए। ये रेसिपी जो लोग जो अकेले रहते हैं तो वो लोग जो है ऑफिस से आके या कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो भी आके अगर खाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अभी सब एडवाइस कर रहे हैं कि घर का खाना खाओ, तो जो है आसानी से बना सकता है। इसीलिए मैंने आज रेसिपी लाया उन लोगों के लिए बारे में सोच के जो है विदाउट लेस टाइम एंड एफर्ट ये रेसिपी अपने घर पे ही बना के खा सकते हैं। इसको अच्छे से हम जो है सॉटे कर लेंगे। मसाला का कितना अच्छा कलर आया है। इस पे थोड़ा सा जो है रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। हम लोग थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं इसलिए ज़्यादा चिली पाउडर दे रहे हैं। अगर कोई पसंद नहीं करता है उतना तीखा खाना तो चिली पाउडर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका एक मिक्सचर ग्राइंड हो चुका है उस पर चिलीज का। मसालों को अच्छे से भूनिए, जितना अच्छा आपका मसाला भुनेगा उतना ही जो है खाने का टेस्ट आएगा। इस पे मैंने कोई हल्दी यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर कोई हल्दी भी यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसी स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, इट एनहांसेस द टेस्ट ऑफ योर रेसिपी करके अच्छे से इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे डाल के अच्छे से भूनिए। मसाला अच्छे से भून चुका है।
अब गैस को लो फ्लेम में करना और धीरे से इसमें आप लोग 1 कप ऑफ मिल मिक्स करना। गिव इट अ क्विक स्टर कि मिल्क जो है कर्डल ना हो जाए। इसके साथ थोड़ा सा गर्म पानी। अब फ्लेम को कर दीजिए हाई पे एंड मिक्स वेल। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू का क्या बोले, वाह, सिर्फ यही बोल सकती हूँ। इसके बाद इस पे जाएगा शुगर। शुगर और नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग यूज़ कीजिए। एंड नमक, नमक ध्यान से थोड़ा अभी डालना क्योंकि ये मिल्क जो है वो सूखने वाला है। गिव इट अ क्विक मिक्स। अब इसको बॉयल आने तक वेट कीजिए। देखिए उबाल आ रहा है। इस पे आप डालिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर और काली मिर्च। गिव इट अ क्विक स्टर और गैस को थोड़ा सा अब लो फ्लेम पे कर दीजिए। मिल्क को थोड़ा सा आप जो है ग्रेवी होने दीजिए, थिकन हो जाएगा मिल्क थोड़ा। कुक इट इन लो फ्लेम फॉर 7 to 8 minutes एंड कीप इन स्टरिंग इन बिटवीन। इसमें अब जो मैं है उबले हुए अंडे धीरे से ऐड करने वाली हूँ। धीरे हैंडों से अंडे को मिक्स कर दीजिए एंड लेट द मिक्सचर बॉयल फॉर 5 to 6 minutes। देखिए ग्रेवी का कितना अच्छा कलर आया है बॉइलिंग के बाद। इस पे आप जो है चॉप्ड कोरिएंडर डाल दीजिए। थोड़ा सा बॉईल करने दीजिए। इस पे डालिए थोड़ा सा बटर। बटर को मेल्ट होने दीजिए। बटर का जो टेस्ट है वो जो है आपको एक बटरी सा फ्लेवर देगा इसकी ग्रेवी में। देखिए ग्रेवी हम लोग का हो चुका है। कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, मेरा ग्रेवी पूरा सूख गया है। एंड आपका जो सॉल्ट एंड शुगर का टेस्ट के हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिए। ये जो मैंने एक से बनाया है, इस ऐसे ही ग्रेवी अगर आपको वेजिटेरियन डे हो आप पनीर डाल के भी बना सकते हो। मैंने जो है एक को बॉइल्ड रखा है, कोई अगर चाहे तो इस पे जो है एक को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। देखिए मेरा जो है एग मलाई का लव रेडी हो गया है टू बी सर्व्ड हॉट विथ योर राइस और रोटी। अब मैं जो है गैस को बंद करने वाली हूँ। स्प्रिंकल सम गार्निश विथ सम ब्लैक कोरिएंडर पेपर पाउडर और मैगी की मसाला मैजिक। ऐड करके यहाँ मैं मैगी के मसाला मैजिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो है ये डिश मैंने बैचलर्स के लिए बनाया है और उन लोगों को क्या है घर पे अभी मसाला रेडी करने का टाइम नहीं मिलता है तो यही सबसे हैंडी होता है। अगर कोई चाहिए तो मैगी मसाला अवॉइड करके जो है आपका भुना हुआ जीरा भी यूज़ कर सकता है। अभी
जो है हम लोग का ये करी पूरा रेडी हो गया है टू बी सर्व हॉट। इसको आप जो है अभी लीड कवर करके 5-10 मिनट के तक ऐसे ही रख दीजिए, उसके बाद आप जो है सर्व कर सकते हैं। लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि कितना इजी एंड टेस्टी ये रेसिपी है, तो आज ही ये क्विकी वाला रेसिपी बना लीजिए अपने घर पे, जो है एक की मलाई वाला लव। एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस रेसिपी इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर योर रेफरेंस। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल Cook with Mishti Bong for more such videos. Your support matters to me the most. Please like and share my videos with your friends and relatives. I will be back with a new recipe at your doorstep soon. Thank you viewers. Love you all. Bye-bye. And do please stay healthy and safe.